में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे नगर के प्रमुख खबरों पर। शहर के प्रसिद्ध मंदिर श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर पर पुजारी द्वारा सूतक होने के बावजूद भी मंदिर में काम करने की जानकारी मिलने के बाद श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। आपत्ति के बाद कलेक्टर ने पुजारी को हटा करके नए पुजारी की नियुक्ति, पुराने पुजारी द्वारा विवाद करने के बाद प्रशासन ने श्री महालक्ष्मी मंदिर पर लगाया ताला। सुबह श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों ने ताला खुलवा कर मंदिर का किया शुद्धिकरण। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन में हुआ कार्यक्रम आयोजित। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण विधायक के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं कलेक्टर राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हुए जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही आई सामने। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप द्वारा उद्घाटन कर दिए जाने के 10 दिनों बाद भी डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं की गई नियुक्ति। दीनदयाल नगर क्षेत्र की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पर मरीज लगा रहे चक्कर। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के नाम पर कर रहे भ्रष्टाचार। रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में विवाद के बाद आज श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। मंत्र उच्चार के साथ गर्भगृह के कपाट खोल मां आरती की। दरअसल मंदिर के पुजारी संजय जी के घर में सूतक के बावजूद वह मंदिर के सभी कार्य कर रहा था। इसी बात को लेकर समाजजनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नए पुजारी की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन पुराने पुजारी महोदय ने नए पुजारी को काम ही नहीं करने दे रहा था, जिसके बाद विवाद गहरा हो गया और जिला प्रशासन ने बीती रात मंदिर पर ताला जड़ दिया। आज सुबह ताला खोला गया, मंदिर की शुद्धि की गई और श्रद्धालु दर्शन करने महालक्ष्मी के मंदिर पहुंचे। ये वही मंदिर है जिसमें हर साल करोड़ रुपए का कुबेर का खजाना सजाया जाता है। चढ़ावे से मंदिर की सजावट की जाती है और 5 दिनों के बाद यह धन धान्य वापस श्रद्धालुओं को लौटा दिया जाता है। इस धन वैभव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से इसी मंदिर में आते हैं। नायब तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया, स्थित लक्ष्मी माई का मंदिर है जिसमें ये शासकीय मंदिर है। इसमें चूंकि पूर्व में एक पुजारी थे, उनसे रिलेटेड को शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उनकी जगह पर अस्थायी रूप से भी नए पुजारी की नियुक्ति की गई है। तो उनको उनके द्वारा विधिवत आज सुबह से जो है मंदिर की पूजा पाठ चालू करवाया गया। वो तो रेगुलर जो ताला लगता है रात को, कुछ विवाद को देखते हुए अपन ने रात को सॉर्ट आउट करके उस मैटर को बोला था कि कल मॉर्निंग से विधिवत उनको चार्ज देके पूजा अपन करवाएंगे, तो वो काम चालू करवा दिया। इसके संबंध में अभी समिति आगे निर्णय आपको बताएंगे। अभी 10:30 बजे एक मीटिंग बुलाई है ना, तो उसके बाद इसको डिस्कशन अपन करके फिर फाइनल करेंगे। देश में प्रतिवर्षानुसार 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1960 में मनाए जाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद हर साल यह दिन मनाया जाता है और हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे शहीद हुए पुलिस वालों की शहादत को याद किया जाता है और उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। रतलाम शहर में भी पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर राजेश बाथम एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए पुलिस वालों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सबके रक्षा के लिए खड़ा होता है, सबके सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। एक जवान जब अपने कर्तव्य पर और यही समाज की सुरक्षा का संकल्प पर प्रत्येक पुलिसकर्मी जब अपने अहम बनते समय की धारा श्रद्धा समय अर्पित करते हुए कोई गम हो कोई खुशी हो कार्यों को स्मरण करते हुए जिससे हम और आप सभी अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी जब अपने पद पर अग्रसर होता है तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा होकर यह कहता है कि तुम उठो तो रात की रानी तुम्हारे पांव छू गए।
वहीं पुलिस जवानों द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हुए अपने साथी पुलिस जवानों को गॉड ऑफ ऑनर देकर अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद जवानों के परिवारों का जनप्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत इस उम्मीद से की गई थी कि इस क्लिनिक की वजह से क्षेत्रीय निवासियों एवं आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लाभ मिलेगा और मरीजों को कई किलोमीटर दूर जाकर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में छोटी छोटी बीमारियों के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद के उल्टे परिणाम मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने कहा था कि संजीवनी क्लिनिक खुले जाने की वजह से छोटी छोटी बीमारियों के लिए जहां पर जिला अस्पताल के चक्कर मरीजों को लगाने पड़ते हैं वह अब नहीं लगाने पड़ेंगे। 300 से अधिक प्रकार की दवाइयां और 200 के करीब जांच भी यहां पर निशुल्क होगी और इस उम्मीद से उन्होंने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में अभी तक डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती ही नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ एक मामला दीनदयाल नगर क्षेत्र स्थित संजीवनी क्लिनिक पर देखने को मिला, जहां पर उद्घाटन हुए 10 दिन बीत जाने के बाद भी संजीवनी क्लिनिक पर ना तो स्टाफ की तैनाती की गई और ना ही डॉक्टर की। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पर पहुंचे मरीजों ने जब क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि को फोन लगाया तो आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने नर्स को पहुंचाया। सूत्रों की माने तो पिछले 10 दिनों में यहां पर ना तो साइन और ना ही कोई डेकोर और ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। सिर्फ एक लड़के को भेज दिया जाता है जो उसे संजीवनी क्लिनिक खोलकर बैठ जाता है। उक्त बात को लेकर क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र चौहान की मौजूद नर्स से बहस भी हो गई। हाँ सर, ही आया सर, मीटिंग में है और मैं मेडिकल वाले में पूछती आई हूँ सर। ऐसा थोड़ी होता है, कब का मुहूर्त हुआ है? हम मरीज मरीज हमको यहाँ परेशान कर रहे हैं और हमको 30-40 लोग रोज खाली जा रहे हैं। पता लगा इस यहाँ जो प्यून था वो बोले कि सोमवार पे डॉक्टर साहब बैठेंगे, 10-40 सर को पता ही नहीं थे, आप आए 10-40 को। अभी सर को मैंने कॉल लगाया, नहीं शिकायत करेंगे हम इसकी थोड़ी है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पूर्व की खबर में भी हमने बताया था कि यह जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक भ्रष्टाचार की नई दुकान है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहां पर शासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए भी दिख रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि से जब इस मामले की जानकारी चाही तो उनका कहना था कि यहाँ पर क्लिनिक खुले को 10 दिन हो गए, 10 दिन में ना तो डॉक्टर थे ना नर्स थे और ना ही कोई यहाँ पर जांच करने वाले संबंधित व्यक्ति वार्ड बॉय वगैरह, सिर्फ एक कर्मचारी फुल टाइम तैनात रहा। भ्रष्टाचार की दुकान आपने खोली है क्या यहाँ पे? नहीं, भ्रष्टाचार की दुकान नहीं है। अष्टमी के दिन इसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी कश्यप जी ने किया था। दूसरे दिन से डॉक्टर अजहर अली से हमने संपर्क किया कि डॉक्टर अभी तक नहीं आए, तो उनका कहना है कि नए डॉक्टर आ रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लेटर बन रहे हैं, 8-10 दिन लगेंगे, सोमवार से नियमित आएंगे। आज मैं यही देखने के लिए आया था डॉक्टर आए कि नहीं, तो मुझे नर्स मिले। 10-40 तक तो मैंने खुद देखा है, लोगों की रिपोर्ट थी, मेरे घर आ गए थे लोग कि वहाँ डॉक्टर नहीं, आपने संजीवनी क्लिनिक क्यों खोली? मैंने कहा व्यवस्था जमने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, नगर निगम का इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो अपनी जगह स्वास्थ्य विभाग थी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट हो रहे थे, बाकी के जो 3 कर्मचारी थे वो क्यों नदारद थे? इस विषय में तो सिविल सर्जन या डॉक्टर अजहर अली जो इसके इंचार्ज है वही जवाब दे सकते हैं, कभी तक स्टाफ की नियुक्ति क्यों नहीं। जब संजीवनी क्लिनिक पहले से खोलने का तय था उसके बावजूद भी यहाँ पर 10 दिन तक डॉक्टर अपॉइंटमेंट में अंगूठी खरीद लिए, नग अपने हिसाब से ढूंढे जा रहे हैं, तो नग के हिसाब से अंगूठी बनती है, अंगूठी के हिसाब से नगीना बना लेंगे? नहीं नहीं, डॉक्टर तो यहाँ जरूरी, क्योंकि इधर 25-30 हज़ार की जनसंख्या के लिए माननीय विधायक जी को हमने रिक्वेस्ट किया था
तो उन्होंने यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक का, ये पहले 16 नंबर वार्ड में बनी थी, जो 19 नंबर वार्ड 20 और 18 के लिए यहाँ बनी है। यहाँ आवश्यकता तो है, मेरा आपके माध्यम से सिविल सर्जन महोदय और डॉक्टरों से भी निवेदन है अजय अली साहब से कि यहाँ जल्दी जल्दी स्टाफ की नियुक्ति करें ताकि जनता को लाभ मिल सके। इस्लाम का पहला स्तन रोग क्लिनिक, यहाँ हर प्रकार के स्तन के रोग का इलाज होता है, जैसे स्तन गांठ की बायोप्सी, ऑपरेशन के बाद क्या एक्सरसाइज की जाए ये भी सिखाया जाता है। रतलाम में एकमात्र स्थान जहाँ महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे मेमोग्राफी की जाती है। WHO द्वारा जारी सूचना में बताया है कि 40 वर्ष के बाद हर महिला को साल में एक बार स्तन के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मेमोग्राफी करवाना चाहिए। WHO NCCN के दिशा निर्देशानुसार इलाज होता है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मान्य, कीमोथेरेपी द्वारा इलाज की सुविधा। महिला स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर स्मिता शर्मा, पूर्व कार्यरत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई द्वारा परामर्श। स्तन कैंसर के मरीज में स्तन बचाकर ऑपरेशन भी हो सकता है। जल्द से जल्द स्टेज एक में पता लगने पर 90 से ज्यादा मरीज की जान बचाई जा सकती है। पिछले 14 वर्षों से लगातार रेल कर्मी एवं उनके परिवारों के क्षेत्र में सभी सुविधाओं को नगर सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाने पर नगर निगम MIC के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पार्षद भगत सिंह भदौरिया का सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा सराहनीय एवं अनुकरणीय सेवाओं के लिए स्वागत कर सम्मान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने नगर सरकार के द्वारा पेंशनर भवन सर्व सुविधा युक्त शहर में बने ऐसी मांग रखी। MIC सदस्य ने संबोधित करते हुए कहा कि नगर सरकार के अधिवेशन में मेरी ओर से मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि शहर में अतिरिक्त जमीन पर सर्व सुविधा युक्त पेंशनर भवन बने, जिससे पेंशनर एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अपनी गतिविधियां संचालित कर सके और एवं उसे मैं महापौर से अवगत करवाने पर आवश्यक चर्चा करूंगा। इस अवसर पर पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार विजय प्रकाश दुबे, IL पुरोहित, राम खेलावन कुमायू, देवेंद्र वर्मा, अरुण वाटकर, UL जायसवाल, सलीम अहमद, सज्जन सिंह सोलंकी, रमेश दुर्गा प्रसाद मिश्रा, रमेश शुक्ला, लाखन राव, महेंद्र माथुर, महेश परमा, सुरेश गोराना, महेंद्र प्रकाश, अमर सिंह पंवार, कैलाश नाथ शर्मा आदि ने उपस्थित होकर श्री भदौरिया का पुष्पहार से स्वागत किया। छत्रीपुर स्थित पंजाबी धर्मशाला में करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पंजाबी महिला विकास समिति द्वारा समाज की सभी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इसमें पुष्पा वासन, दर्शन खेड़ा, निर्मला कथूरिया, साक्षी बत्रा, रीना बत्रा, सुनीता वासवान, जानवी असरानी, सोनिया शर्मा, दीपिका शर्मा, नूतन मेहता, न्यासी खेरा, दीपा कामरा, गायत्री टंडन, भारती वाधवा, सीमा शर्मा, वैशाली वर्मा, गगनदीप वर्मा, उमा भारद्वाज, ज्योति आदि मौजूद रहे। उक्त जानकारी समाज अध्यक्ष पुष्पा वासन ने दी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचलों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शहर के प्रसिद्ध मंदिर श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर पर पुजारी द्वारा सूतक होने के बावजूद भी मंदिर में काम करने की जानकारी मिलने के बाद श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। आपत्ति के बाद कलेक्टर ने पुजारी को हटा करके नए पुजारी की नियुक्ति। पुराने पुजारी द्वारा विवाद करने के बाद प्रशासन ने श्री महालक्ष्मी मंदिर पर लगाया ताला। सुबह श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों ने ताला खुलवा कर मंदिर का किया शुद्धिकरण। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन में हुआ कार्यक्रम आयोजित। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण विधायक के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं कलेक्टर राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हुए जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही आई सामने। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का कैबिनेट मंत्री चेतनी कश्यप द्वारा उद्घाटन कर दिए जाने के 10 दिनों बाद भी डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं की गई नियुक्ति। दीनदयाल नगर क्षेत्र की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक पर मरीज लगा रहे चक्कर, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के नाम पर कर रहे भ्रष्टाचार।